इधर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी क्लस्टर की अहम बैठक हुई। बैठक को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि बैठक में आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा हुई है। हर लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा, जिले, मंडल, इसमें योजना का क्रियान्वयन निचले स्तर तक करना है। 7 फरवरी से प्रदेश में गांव चलो अभियान शुरू होना है। 11 फरवरी तक सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। प्रत्याशियों के नाम पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर योजना के अनुसार प्रत्याशियों का चयन होगा। लोकसभा सीट को जीतने वाले उम्मीदवार के हिसाब से चयन होगा। और हमारी जो विभिन्न योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन हमारे नीचे स्तर तक किया जाना है, लोकसभा के सभी जिलों में, विधानसभा क्षेत्रों में, हमारे मंडल पे और बूथ में। कल से हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो पूरे देश में, कल ही नड्डा जी ने इसकी शुभारंभ किया है, गांव चलो अभियान का। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे सभी पदाधिकारी और मंडल इकाई तक के हमारे कार्य समिति के सदस्य, और 7 तारीख से इसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ में होगा। 11 तारीख तक हमारे सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, और प्रत्येक गांव में रात्रि विश्राम भी करेंगे। 24 घंटे उस गांव को देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम नियत किए गए हैं उन सभी पर और उस योजना को क्रियान्वित करेंगे। एक बार फिर लिए चलते हैं आपको रायपुर। युगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और बारीक तरीके से समझते हैं। युगल, बीजेपी क्लस्टर बैठक, बात प्रत्याशियों की भी आई, कल 7 तारीख से गांव-गांव भी पहुंचना है, वोट परसेंटेज भी बढ़ाना है। युगल जी, बिल्कुल। देखिए ललित, सभी जो क्लस्टर की बैठक है की गई है, 11 लोकसभा सीटों के लिए कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मंथन है वो लगातार जारी है। जीताऊ जो कैंडिडेट्स होंगे उस पर सहमति बनेगी और एक पैनल बनाया जाएगा। 3-3 नामों का पैनल होगा और उसमें जो जीतने वाले जो कैंडिडेट हैं उनका नाम होगा और उसके बाद केंद्र में भेजा जाएगा केंद्रीय नेतृत्व को। फिर वो तय करेंगे कि आखिर जीताऊ कैंडिडेट कौन है और उसके बाद नामों का ऐलान होगा। और जिस तरह के बीजेपी का गांव चलो अभियान चल रहा है तो 24 घंटा बीजेपी के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल के हो चाहे प्रदेश स्तर के, वो गांव पर जाएंगे और 24 घंटा बिताएंगे। और अहम बात यही है कि मोदी की गारंटी जो छत्तीसगढ़ में थी तो उस गारंटी को जमीनी स्तर पर किस तरह से उतारा जाए और उसके बाद ही ये तमाम जो बिंदु हैं उस पर जो राय शुमारी की गई है। और सबसे खास बात यही है कि लोकसभा का जब चुनाव होना है ललित, तो उसको लेकर के एक मंथन है वो किया गया और सभी योजनाओं का एम्प्लीमेंट कैसे हो सके जमीनी स्तर पर, उसके लिए दिशा निर्देश भी दिए गए थे। इससे पहले भी जब बैठक हुई थी क्लस्टर की तो उस पर टास्क दिया गया था, तो उन बैठक में योजनाओं की क्या स्थिति है, किस कहां तक जो उनके काम है वो पहुंचे हैं, ताकि आने वाले जो चुनाव है उसमें किसी तरह की दिक्कत बीजेपी को ना हो और जो जीत कर बीजेपी 11 सीटों पर आए उस पर मंथन है वो किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी